हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सो गाइस, एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं प्रेजेंट हुआ हूँ आप लोगों के साथ। सो गाइस, ये पर्टिकुलरली वीडियो एक पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर है जो कि नाम है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। गाइस, ये एक स्विंग ट्रेड मैं नेक्स्ट वीक के लिए तैयार कर रहा हूँ और चार स्टॉक्स और होते हैं, यानी कि पर्टिकुलरली मैं पाँच स्टॉक्स हर हफ्ते ट्रेड करता हूँ और सिर्फ उन्हीं में ट्रेड करता हूँ। ये नहीं कि मैं एक बार पोजीशन बना लेता हूँ तो पूरे हफ्ते उसे होल्ड करता हूँ, मैं बार बार उसे कंटिन्यू रखता हूँ। जब भी थोड़ा डिप में मिलता है फिर हम बाय या फिर शॉर्ट, फिर वो पूरा हफ्ते तक वो एक स्विंग ट्रेड चलता है या फिर वो नेक्स्ट वीक भी कंटिन्यू रहता है। सो गाइस, ये जो पर्टिकुलरली वीडियो मैं लेकर आया हूँ, ऐसी मैं दो वीडियोस और लेकर आऊँगा, यानी कि टोटल थ्री वीडियोस होंगी। ये संडे से पहले पहले आ जाएंगी, यानी कि मंडे से पहले आ जाएंगी जब मार्केट ओपन होगी। सो आप उस पर भी काम कर सकते हैं। ये पर्टिकुलरली वीडियो मैं लेकर आया हूँ गाइस, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, पर्टिकुलरली जो हम जिन लोगों को कॉल्स प्रोवाइड कराते हैं, उसमें से एक क्लाइंट्स का मेरे पास मैसेज आया था, मेरे पास फ़ोन भी आया था, तो उन्होंने मेरे को बात बताई थी। उन्होंने मेरे को ये बात बोली थी गाइस कि आप जो स्टॉक्स हमें डेली बेसिस पे देते हैं तो आप वो एक हफ्ते तक मैं देखता हूँ कि वो रिपीट हो रहे होते हैं स्टॉक्स। तो गाइस, मैं आपको यही बता रहा था कि मैं पर्टिकुलरली सैटरडे और संडे बैठ के पाँच या छः स्टॉक्स को ऑब्जर्व कर लेता हूँ और अपनी वॉच लिस्ट में रख देता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं रखता। या दो तीन स्टॉक्स अगर न्यूज़ बेस होते हैं या फिर उसमें पर्टिकुलरली कोई ज़्यादा हलचल हो रही होती है तो ही हम उसे अपने वॉच लिस्ट में रखते हैं। क्योंकि गाइस, अगर आपकी वॉच लिस्ट में 10-12 स्टॉक्स होंगे और तब भी आपको पता है कि आपने किस स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो भी आप कन्फ्यूज़ हो जाते होंगे कि आपका जो ट्रेड है वो भाग गया या नीचे गिर गया। ये गाइस मेरे साथ बहुत बार हो चुका है कि मुझे पता होता है कि ये पाँच स्टॉक्स पे मैंने चार्ट्स बना रखे हैं, इसमें ब्रेकआउट आना है नहीं आना है, बट तब भी जब मेरे पास वॉच लिस्ट में 10-12 स्टॉक्स होते हैं मेरे, वो ट्रेड्स बहुत जल्दी से मिस हो जाते हैं। सो इसी के साथ मैं अपने जो मेरे क्लाइंट्स थे उन लोगों को बताना चाहूँगा कि हाँ, हम हफ्ते में 6 स्टॉक्स लेकर चलते हैं और उन्हीं पे कंटिन्यूसली ट्रेड करते हैं, वो नेक्स्ट वीक तक भी चलते हैं। सो वो क्लाइंट की एक मेरी रिक्वेस्ट थी और उन लोगों ने मेरे से कहा था कि आप जो ये स्विंग ट्रेड्स की कॉल्स ढूंढते हैं, सो इसका बेसिस क्या होता है, ये आप चार्ट्स में ऐसा क्या देखते हैं, और ये अगर आप हमें एक बार इस हफ्ते की यानी जो नेक्स्ट वीक आ रहा है, जब फरवरी एंड हो रहा है, तो अगर आप इसमें जो 5 से 6 स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें से आप कुछ स्टॉक्स भी अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पे आप हमें बताएंगे एनालिसिस करके, तो हमें समझ आ जाएगा कि आप किस तरीके से स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं। सो गाइस, इसी के साथ मैं ये डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के साथ प्रेजेंट कर रहा हूँ। आप लोग भी इस पर वॉच लिस्ट पर रख के इस पर ऑब्जर्व कर सकते हैं और जनरली हम अपने क्लाइंट्स को तो ज़रूर देंगे। सो हम बढ़ते हैं अपने स्टॉक की तरफ, जिसका सबसे पहला नाम है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, जो कि नेक्स्ट वीक के लिए एक स्विंग ट्रेड के रूप में हम आप लोगों के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं। सो अब हम बढ़ते हैं चार्ट की तरफ सीधा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने ना चार टर्मिनल ओपन कर रखे हैं और इस पर हम चार टर्मिनल पर जाके बात करेंगे कि पर्टिकुलर ये स्टॉक पे क्या हो रहा है और मैंने ये क्यों सेलेक्ट करा है। और गाइस, पर्टिकुलरली मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो स्विंग ट्रेड्स होते हैं ये जनरली हम अपने क्लाइंट्स को भी प्रोवाइड कराते हैं और मैं खुद भी बाय करता हूँ। अब आप देख सकते होंगे कि आप सबसे पहले अगर हम टर्मिनल की बात करें तो ये आप एक रेंज देख रहे हो, ये पर्टिकुलरली एक रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर है और आप देख सकते हैं कि इस रेंज के अंदर ये पर्टिकुलरली ट्रेड कर रहा था। अब हम बात करें तो इसने जब एक अपना डाउनफॉल दिखाया तो यहाँ से इसका एक रिवर्सल पॉइंट आया और आप देख सकते हैं यहाँ से इसका एक रिवर्सल पॉइंट आया, मतलब एक यहाँ से रिवर्सल आया और जब ऊपर बढ़ा तो एक यहाँ से रिवर्सल पॉइंट आया। तो अब आप देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलरली इसी रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा था। अगर हम इस रेंज का एक ओरिजिन फाइंड करें कि यहाँ से स्टार्ट कहाँ से हुआ ये रेंज, तो आप देख सकते हैं कि अगस्त 18 में हुआ था ये पर्टिकुलरली स्टार्ट, 2018 अगस्त पे ये पर्टिकुलरली स्टार्ट हुआ था और कंटिन्यूसली इसने आज जाके अपनी ये रेंज को तोड़ा था। थर्सडे की बात है, थर्सडे 19 फरवरी को जाके इसने अपना एक रेंज तोड़ा था और टोटल इसे 18 महीने हो चुके हैं, यानी कि ये जो कैंडल्स आप देख रहे हैं ये 18 महीने की कैंडल्स हैं और ये 18 महीने से इसी रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा था। और आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो गाइस हमने देखा कि ये पर्टिकुलरली इस रेंज के ऊपर क्लोज जाके दे चुका है। इस रेंज की बात करें तो गाइस ये रेंज इसका अपर साइड की जो रेंज है उसका लेवल है 1300 का और लोअर साइड का जो है वो है 935 का। सो अगर हम अप्रॉक्सीमेटली मान के चले तो 400 पॉइंट या 375 पॉइंट्स का ही इस रेंज के अंदर ये काम कर रहा था। तो आपको यहाँ पर एक बॉक्स दिख रहा होगा, मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा। एक सेकेंड। सो गाइस आप देख सकते हैं, अगर आप इस बॉक्स की तरफ ध्यान देंगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो टोटल रेंज है ये रेंज है 365 पॉइंट्स की, जो बॉटम से लेकर ऊपर टॉप तक है।
अगर आप देखेंगे तो 408 कैंडल्स बनी है, 611 डेज हैं ये पर्टिकुलरली कैंडल्स हैं। सो आप देख सकते हैं कि कितनी कैंडल्स, और ये 30% की रेंज है। अब हम किस तरीके से लगा सकते हैं, अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं इससे थोड़ा जूम आउट करता हूँ तो ये डेली चार्ट है, और आप देख सकते हैं जो इसका टॉप है, इसका टॉप अराउंड 1700 लेवल तक का है, और आप देख रहे हैं कि 1700 के लेवल से ये बार बार ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर नीचे जाता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, और 1700 के लेवल से एग्जैक्ट 900 रुपए के लेवल तक आ गए, यानी कि इसने हमने 800 पॉइंट की गिरावट दे दी थी, आप जैसा कि आप देख पा रहेंगे। सो गाइस अब इसने इस पर, उसके बाद हम देखते थे कि 18 महीने ये इस रेंज के अंदर ट्रेड करा, रेंज के अंदर ट्रेड करने के बाद जब देखा कि इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया तो ब्रेकआउट बहुत अच्छे तरीके से दिया है, और अगर मैं इसे थोड़ा सा जूम और करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि 3-4 दिन ये पर्टिकुलरली पहले इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था, और इसने आप देख सकते थे कि टॉप पे रेंज पे जाके 2 बार रेड कैंडल्स और एक इनडिसाइसिव कैंडल भी प्रोवाइड करा रही थी, जो हमें इंडिकेट कर रही थी कि यहाँ से शायद ये दोबारा नीचे जा सकता है। बट हुआ ये कि यहाँ से पर्टिकुलरली इसने एक ब्रेकआउट दे दिया, और यहाँ पर जिन लोगों ने भी शॉर्ट्स लिए होंगे वो ज़रूर वहाँ पर फंस गए होंगे। अब अगर हम इसके टारगेट की बात करते हैं सॉरी गाइस, अगर हम इसके टारगेट की बात करते हैं तो जनरली अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक एक रेंज में काम कर रहा होता है, सो गाइस अगर वो उस रेंज का ब्रेकआउट देता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो रेंज थी, जितनी की वो रेंज थी उतना ही वो ऊपर जा सकता है। सो मैं आपको अगर इस रेंज का बताना चाहूँ तो मैं पहले इस पर्टिकुलरली जो मैंने ये एक बना रखा है इसे हटा देता हूँ। जी गाइस अब ये पर्टिकुलरली रेंज हमें पता चल गई है, ये अराउंड रेंज है 365 पॉइंट्स की। सो मैं एक 365 पॉइंट्स की एक रेंज और ड्रॉ करने वाला हूँ, और तब हम देखेंगे कि ये वो पर्टिकुलरली इसका जो टारगेट है वो टारगेट कहाँ तक बता रहा है। इस लेवल से मैं 365 पॉइंट्स का एक रेंज बना रहा हूँ, मैं थोड़ा और इसे नीचे कर देता हूँ कि हमें बाद में कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि इसका जो पर्टिकुलरली टारगेट होगा वो थोड़ा और ऊपर होगा। जी एक सेकंड, अब मैं एक रेंज आप लोगों के लिए ड्रॉ करता हूँ, 365 पॉइंट्स या अप्रॉक्स 400 ही हम मान के चल लेते हैं। इस लेवल से मैंने एक रेंज ड्रॉ करी 400 पॉइंट्स की, अप्रॉक्स आ रहा है ये, जो कि हमें दे रहे 30% का रिटर्न। तो अब आप देख सकते हैं ये जो लेवल है, जो लेवल का ब्रेकआउट है, वो लेवल का ब्रेकआउट है गाइस 1300 का, और अभी ये जो क्लोज हुआ है वो आप यहाँ देख सकते हैं कि 1341 पे क्लोज हुआ है। कोई बात नहीं, 40 रुपये ऊपर क्लोज हुआ है। कभी भी एक दो बार अगर मंडे या ट्यूसडे में मार्केट में थोड़ी बहुत डिप मिलता है तो हम एक बार दोबारा इसमें बाय पोजिशन बना सकते हैं। गाइस अभी 3 यहाँ पर टर्मिनल और हैं एनालाइज करने के लिए, तो अभी हम बाय की तरफ नहीं जा रहे हैं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि एक ब्रेकआउट हुआ है। सो अगर आपको कभी डिप मिलती है तो यहाँ पर आप एक बार ट्रेड ले सकते हैं। अब हम इसके टारगेट की बात करें तो जो रेंज आ रही है उस रेंज के हिसाब से अगर हम टारगेट फाइंड करें तो 1300 रुपये से 1700 रुपये तक आराम से जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि 1700 रुपये जा रहा है, यानी कि 30% का रिटर्न आपको अगर ये एक स्टॉक दे रहा है, मैं मान के चल रहा हूँ अगर आपको इस साल भर में यहाँ 1700 का लेवल दिखाता है तो गाइस साल भर में भी 30% का रिटर्न बहुत अच्छा रिटर्न होता है, बैंक FD से भी बहुत ज़्यादा बढ़िया रिटर्न दे रहा है गाइस ये। अब आप देख सकते हैं, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्मिनल की तरफ और वहाँ पर जाके पहले स्टडी करते हैं गाइस, क्योंकि स्टडी किस चीज़ की करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं एक बार इसे हटाता हूँ। अब गाइस हमें देखना है कि कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स ऐसे होते हैं कि जहाँ पर हम देखते हैं कि एक रेंज बन रही होती है, ब्रेकआउट आता है, फिर उसके बाद दोबारा एक बार गिरावट आ जाती है। तो मुझे अब ऐसे एक स्टॉक की तलाश है, मतलब कुछ ज़्यादातर स्टॉक्स में ऐसा होना चाहिए कि अगर यहाँ रेंज बनी और ब्रेकआउट हुआ है तो ये ज़रूर ऊपर ज़रूर जाना चाहिए। तो इसके लिए मैं बैक टेस्टिंग करूँगा, अगर मैं इसके पीछे जाऊँगा और पुराने चार्ट्स पे जाके इसके बारे में देखूँगा कि कहीं पीछे जब ये ऐसा चैनल इसने बनाया है तो उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट दिया है तो क्या सस्टेन करा है, ऐसा तो नहीं फॉल्स ब्रेकआउट दे के नीचे आया है। सो अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे टर्मिनल की तरफ और दूसरे टर्मिनल पे जाके हम स्टडी करते हैं। गाइस इसके लिए मैंने वीकली चार्ट ओपन करा हुआ है, वीकली चार्ट पे आप देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलरली जो रेंज है ये एग्जैक्ट सेम यही वाली रेंज है जो मैंने आप लोगों के लिए बना रखी है, तो इसके ऊपर इसने ब्रेकआउट दे दिया है। अब अगर हम बैक टेस्टिंग करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये एक पर्टिकुलरली रेंज थी, ये एक रेंज के अंदर काम करा, ऊपर गया और यहाँ से इसने जब नीचे की तरफ आया इस एग्जैक्ट रेंज पे इसने सपोर्ट लिया और हमने एक ऊपर की तरफ अपमूव देखी। दूसरी बात, अगर हम दूसरे रेंज की तरफ चलते हैं तो आप देख सकते हैं एक ये रेंज बनी हुई है, इस रेंज के ऊपर गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक शैडो आई थी तो ये फॉल्स ब्रेकआउट माना जाता है, यहाँ से नीचे आ गया। पर्टिकुलरली इसने एक कैंडल दी, इसके ऊपर गया,
अब हम मिड पॉइंट पे अगर हम स्टॉप लॉस भी लगा लेते हैं, अगर हम एग्जैक्ट इस पॉइंट में स्टॉप लॉस लगा लेते हैं तो यहाँ से फिर एक बाउंस आया और हम देख सकते हैं कि इसके ऊपर जाके ये कामयाब हुआ। और अगर हम इस रेंज का लेते हैं डिफरेंस, तो एग्जैक्ट वो डिफरेंस का इसने कवर कर भी लिया था प्रॉफिट अपना, और इधर भी इस रेंज का अपना प्रॉफिट कवर कर लिया था। अब गाइस इस पर्टिकुलरली टर्मिनल पे एक बात और नोटिस करने की है, वो मैं अब आप लोगों को बताता हूँ। गाइस एक पर्टिकुलरली जो ज़्यादातर मैं जो ट्रेड करता हूँ, जो भी मैं स्टॉक्स को एनालाइज या फाइंड करता हूँ, वो सिर्फ मैं कैंडल्स और पैटर्न्स के ऊपर देख कर करता हूँ, मैं ज़्यादातर इंडिकेटर्स यूज़ नहीं करता। बट अब जब मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी कि जब भी आप वीडियो अपलोड करा करें तो आप इंडिकेटर्स में भी हमें बताया करिए, क्योंकि इंडिकेटर्स पे वो ओवरसोल्ड लग रहा है, ओवरबॉट लग रहा है, और आप हमें बाय या शॉर्ट की सलाह दे रहे हैं। सो गाइस अब मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगा इसी टर्मिनल पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस लेवल ने इसमें ब्रेकआउट दिया है। अब आप देखिएगा जब भी ये 70 के आसपास पहुँचता है, ये पर्टिकुलरली RSI यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो वहाँ से एक एग्जैक्ट हम देखते हैं पर्टिकुलरली स्टॉक पे गिरावट आती है। तो अब यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि RSI 70 के आसपास पहुँच चुका है और यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दे दिया है, तो क्या हम ये मान के चले कि यहाँ से भी एक गिरावट आ सकती है और ये फॉल्स ब्रेकआउट है? तो दोबारा मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा, जैसे हमने चैनल की बैक टेस्टिंग करी है, अगर हमने चैनल के देखा है कि चैनल असलियत में ब्रेकआउट देता है इस पर्टिकुलर स्टॉक पे कि नहीं, तो वैसे ही हमें टेस्ट करना है कि RSI असलियत में चैनल के ऊपर सपोर्ट करता है या नहीं करता। तो उसी के लिए मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे भी एक बॉक्स बना रखा है। सो अब देखिएगा यहाँ पर इस पर्टिकुलरली चैनल ने ब्रेकआउट दिया, RSI कितने पे ट्रेड कर रहा था, 72 पे ट्रेड कर रहा था। यहाँ पर 3 या 4 दिन ये कंसोलिडेट करा, इसने एक छोटी सी डिप दी और डिप देने के बाद ये 60 पे आ गया। फिर हमने देखा एक दोबारा बाय बनी और वहां से उसने बहुत बढ़िया रिटर्न्स दिए, और RSI ओवरबॉट पे ही था और तब भी हमें यहाँ पर इसमें बाय की सलाह बनी थी। अगर हम प्रीवियस दोबारा इस चैनल की तरफ देखते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि इस चैनल पे भी आप देखिएगा RSI कितना था, RSI था 75 RSI पे ट्रेड करा था जब ये चैनल का ब्रेक आउट दिया था ऊपर की तरफ, और तब भी वो अपने हायर लेवल्स तक ही गया था। ये नहीं कि RSI ओवरबॉट हो गया है तो यहाँ पर एक फॉल्स सिग्नल आ सकता है, हम यहाँ पर इसे शॉर्ट कर दें। हमें सबसे पहले चार्ट्स पे ध्यान देना चाहिए, कैंडलस्टिक एनालिसिस करनी चाहिए, पैटर्न्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए, उसके बाद हमें अपने इंडिकेटर्स को देखना चाहिए कि असलियत में क्या वो हमें बता रहे हैं कि ऊपर की तरफ मूवमेंट है कि नहीं है। सो एग्जैक्ट अगर आप दो चीज़ों में देख सकते हैं कि चैनल का ब्रेकआउट भी देता है, प्लस RSI अगर ओवरबॉट भी हो तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, तब भी ऊपर जाता है पर्टिकुलर स्टॉक, सो हमारे लिए क्यों बाय नहीं बनेगा। सो अब हमें देखना ये है, अब आप देख सकते हैं इसने जो क्लोजिंग दी है वीकली बेसिस पे इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, तो कोई शैडो क्लोजिंग नहीं दी है। सो कभी भी अगर आपको ये 1300 रुपये के आसपास मिलता है, और अगर ये थोड़ी बहुत डिप और लगा लेता है, और अगर आपको 56 के पास RSI मिल जाता है जो कि 65 पे चल रहा है, कोई बात नहीं, हम RSI के ऊपर ध्यान नहीं देते। पर अगर आपको ये 1300 रुपये के आसपास मिलता है कभी भी श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, तो आप एक बाय बना सकते हैं। कुछ लोगों के लिए तो ये 40 रुपये का जो है, जो 1300 से 1340 गया, वो थोड़ा रिस्की रहेगा, क्योंकि जो स्टॉप लॉस है स्टॉप लॉस थोड़ा डीप रहेगा, वो भी मैं आपको अपने आगे वाले टर्मिनल पे ज़रूर बताऊंगा। सो गाइस अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्मिनल पे, और नेक्स्ट टर्मिनल पे हम बात करेंगे टारगेट के बारे में। तो पहली हमने टर्मिनल पे बात करी कि पर्टिकुलरली एक जो रेंज बनाता है उस रेंज के ऊपर तक का एक टारगेट होता है एग्जैक्ट। इस पे हम देखें दोबारा, हम सेम चैनल पे टेस्ट कर रहे हैं क्योंकि एग्जैक्ट यही सेम चैनल बना है, तो हमें देखना है कि एक पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर प्रीवियस जो चैनल बने हैं क्या उसके अकॉर्डिंग वैसा ये चैनल काम कर सकता है या नहीं कर सकता। सो इसलिए हम बैक टेस्टिंग करते हैं। सो गाइस अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक गिरावट आई, एक फॉल आया, फॉल आने के बाद हमने देखा है 2015 की बात कर रहा हूँ मैं गाइस, 2015 से ये लगातार चालू हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट इसका ये जो कैंडल स्ट्रक्चर है मेंटेन है अभी तक। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक डाउनफॉल आई, ये एक पर्टिकुलरली एक चैनल के अंडर ट्रेड करते रहा, और उसके बाद अब एक अपमूव आई। जब एक अपमूव आई तो आप देख सकते हैं यहाँ से गिरावट चालू हुई थी इस लेवल से, और ये कहाँ तक गया, एग्जैक्ट उसी लेवल तक गया। सो बात मेरी ये है कि जैसे ही चैनल का ब्रेकआउट देता है तो चैनल से पहले जो एक गिरावट आ रही होती है, अप्रॉक्स हम मान के चलते हैं कि उस गिरावट तक ये पर्टिकुलर स्टॉक चले जाता है। तो आप देख सकते हैं ये लेवल था 1281 का, चैनल का इसने पर्टिकुलरली ब्रेकआउट दिया था 962 से, तो जैसे ही 962 इसने तोड़ा तो हमने देखा एग्जैक्ट अपने उसी लेवल पे चला गया जिस लेवल पे था। अब हम दूसरे चैनल की तरफ जाते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ से फिर एक दोबारा गिरावट आई।
दोबारा गिरावट आने के बाद दोबारा ये चैनल पे चला गया, और जैसे ही इसने चैनल के ऊपर ब्रेक करा तो हमने देखा इस पर्टिकुलरली जो इसने हाई मारा था जहां से गिरावट आनी शुरू हुई है उस तक ये आराम से चला गया था और उसके ऊपर आराम से चला गया था। अब आप देख सकते हैं एग्जैक्ट सेम सिनेरियो बिल्कुल यहां पर भी बना हुआ है। फिर एक गिरावट आई और देख ली गाइस ये कंटिन्यूसली चला आ रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा है, कंटिन्यूसली चला आ रहा है। फिर एक गिरावट आई, फिर एक रेंज में आया, अब रेंज के ऊपर ये निकल गया है। तो मान के चले अगर इस रेंज का एक टारगेट लेकर चलते हैं तो मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलरली दोबारा तो दोबारा यहां तक दोबारा जा सकता है, जो कि ये लेवल निकल के आ रहा है जो कि आप देख सकते हैं। सो मुझे लगता है कि इस रेंज, इस पर्टिकुलरली जो अगर मैंने पीछे जो टेस्टिंग करी है उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये 1700 के लेवल तक आराम से जा सकता है। और अगर आप मेरी इस लेवल को देखेंगे, इस पॉइंट को, तो यहाँ से भी अगर मैं 1300 से 400 रुपए का जो डिफरेंस था लेकर चलता हूँ तो वो भी 1700 रुपए का लेवल था। तो आप देख सकते हैं दो चीजें हमें कंफर्म कर रही है कि सेम टारगेट निकल के आ रहा है। सारी चीजें अगर मैं बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ तो बता रही है कि बाय बनता है। सो आप एक बार इस पर ट्रेड लेकर चल सकते हैं। और आप दोबारा देख सकते हैं कि ये देखिए ऊपर जाता है, 2 दिन कंसोलिडेट, दो एक हफ्ता ऊपर जाता है, 2 हफ्ते कंसोलिडेट करता है, 1 हफ्ता ऊपर जाता है, 4 हफ्ते कंसोलिडेट करता है। ये नहीं है कि लगातार इस पर कंटिन्यूसली रैली हमें देखने को मिलती है, हल्के हल्के जाता है। तो अगर आप पेशेंसली इसे होल्ड करेंगे, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड या शॉर्ट टर्म के लिए भी होल्ड करेंगे तो डेफिनेटली आपको पैसा देकर जरूर जाएगा। अब आप देख सकते हैं ब्रेकआउट दिया, 4 हफ्ते तक इसी लाइन में ये ट्रेड करते रहा, इसी रेंज में, फिर जाके इसने एक मूवमेंट दी है। सो अगर आप पेशेंस रहेंगे तो आप इस लेवल तक प्रॉफिट अचीव कर पाएंगे या तो फिर आप यहीं से ही निकल जाएंगे। तो गाइस ये मेरे 3 टर्मिनल थे। अब इसी टर्मिनल पे मैं आपको एक स्टॉप लॉस बता देता हूँ जो कि आपको ये रेड कलर और ग्रीन कलर का बॉक्स दिख रहा होगा। गाइस ये स्टॉप लॉस और टारगेट आपको लिखे हुए दिख रहे हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं स्टॉप लॉस आपका है 102 रुपये का। 102 रुपए का स्टॉप लॉस आपके लिए कब है? जब ये 1300 रुपए में ट्रेड करेगा। अगर आप 1340 रुपए में ही इसे बाय करना चाहते हैं तो आप इस स्टॉप लॉस को बढ़ा के 140 कर लीजिए, जो कि अप्रोक्स आपको 8% का लॉस है। आपको 8% का लॉस झेलना पड़ेगा और उसके बदले आप 400 पॉइंट तक का एक टारगेट लेकर चल सकते हैं, जो कि अगर हम बात करें तो बहुत बढ़िया रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो है। सो गाइस इस बेसिस पे हमने एक एनालिसिस करी है। एक लास्ट अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी, ये एक सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है जो कि आप देख सकते हैं और ये एक रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन है। सो अब ये आपको एक ग्रीन ब्लू कलर का बॉक्स दिख रहा होगा जो रेजिस्टेंस बता रहा है, एक रेड कलर का बॉक्स है जो हमें एक सपोर्ट बता रहा है। अब आप देख सकते हैं जो मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है एग्जैक्ट इस लाइन पे, अब आप ध्यान दीजिएगा, ग्रीन कलर का बॉक्स है रेजिस्टेंस, यानी कि जब यहाँ से एक मार्केट ने अप मूव ली, इस पर्टिकुलर स्टॉक ने एक अप मूव ली तो यहाँ से हमने एक देखा रेजिस्टेंस फेस करते हुए इस पर्टिकुलरली स्टॉक को, वो नीचे आया दोबारा ऊपर गया तो यहीं पर इसने रेजिस्टेंस फेस करा। इसी लाइन की हम बात कर रहे हैं, हम नीचे वाले लाइन की बात नहीं कर रहे, हम उस वाली लाइन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ इसने रेजिस्टेंस दोबारा लिया, दोबारा नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है और इस लाइन के ऊपर से ये ब्रेकआउट दे देता है। जब ब्रेकआउट देता है और हम नीचे आते हैं तो आप देख सकते हैं रेड वाला बॉक्स था सपोर्ट का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया और बाउंस कर दिया। दोबारा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है तो यहाँ फिर सपोर्ट लेता है और फिर नीचे की तरफ तोड़ के फिर यहाँ पर इसे रेजिस्टेंस मिलता है काफी बार। अब आप देख सकते हैं कि जब भी इस लेवल को तोड़ता है तो हम देखते थे कि एक अपमूव आती थी और अपमूव इस लेवल को इस हायर लेवल तक लेकर आराम से चली जाती थी। सो एग्जैक्ट इसने दोबारा अपना रेजिस्टेंस तोड़ दिया है इस लेवल पे, तो हमें ये भी बता रहा है कि यहाँ से भी एक दोबारा बाय बन सकता है। सो गाइस ये 4 टर्मिनल थे, 4 ट्रेडिंग सेटअप्स थे जो हमने आपके साथ शेयर करे श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के अंदर। इसी बेसिस पे क्लाइंट्स, मैं आप लोगों को भी ये बात बताना चाहता हूँ और सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं, क्योंकि आप सब लोग मेरे फैमिली की तरह हो, मैं आप लोगों के साथ ही हूँ, आप लोगों की वजह से ही बनाऊँ। सो गाइस मैं आप लोगों को इतना बात बताना चाहता हूँ, जब आप एक स्टॉक को फाइंड करिए तो पूरी शिद्दत से फाइंड करिए, बहुत अच्छे से फाइंड करिए और पूरी एनालिसिस करिए। स्टॉक अगर 40 रुपये भाग गया गाइस, हो सकता था तो मैं इस लेवल पे भी बाय कर लेता, वो तो अलग बात है कि मुझे पता नहीं था कि ये वैसे पैटर्न बन रहा है, पर कोई बात नहीं, अगर ये ब्रेकआउट देता भी तो भी मैं बाय नहीं करता। और आप देख सकते थे कि इसने 40 रुपये की मूवमेंट दे दी है, अगर मुझे पता था स्टॉक के बारे में तो मैं पहले ही बाय कर चुका होता, पर गाइस मैंने अभी भी बाय नहीं करा। मैं चाहता हूँ एक बार ऊपर जाए, नीचे डिप दे, इस लाइन पे डिप दे 1300 पे, और जब तब बाउंस करे। हमें जरूरी नहीं है कि इसी लाइन पे बाय करना है, मैंने आपको ये 4 ट्रेडिंग सेटअप बताया तो आप ये मत सोच लीजिए कि एक ये स्ट्रॉन्ग बाय ही है, नीचे नहीं जाएगा। हो सकता है कि ये नीचे चले जाए, हो सके कि ये टेक्निकल ना मान पाए। तो गाइस हमें क्या ट्रेड लेना है मैं आप लोगों को वो बताता हूँ।
रिस्की ट्रेडर्स तो 1340 पे भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि मुझे हल्की बहुत उम्मीद है कि यहाँ से भी कल अगर मंडे को मार्केट ओपन होती है तो 1-2% तो दोबारा भाग जाएगा। सो करना क्या है, अगर ये डिप देता है 1300 रुपये में और तब इस लेवल पे कंसोलिडेट करके ये भागने की कोशिश करता है, तो आप आराम से 1310, 1315, 20 पे आप उठा सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक को और फिर आप होल्ड करके चल सकते हैं। सो क्लाइंट्स, जो भी मेरे क्लाइंट ने मेरे से बात पूछी थी, तो देखिए मैंने सबसे पहले आप लोगों के साथ ये एनालिसिस शेयर करा है और ये पूरे अच्छे तरीके से हम आपके साथ एनालिसिस शेयर करते हैं। तो गाइस कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि ये आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर ये स्विंग ट्रेड की बात करें तो एक बेस्ट स्टॉक है कि नहीं है जो हम आप लोगों के लिए चुन के लाए हैं। गाइस इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। गाइस एक खास बात मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा, मंडे के लिए जो 5 इंट्राडे कॉल्स थी जो कि हम इंट्राडे बेसिस पे करते हैं, जो कि हम इंट्राडे पे ही पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं, उन पर्टिकुलर 5 स्टॉक्स की अगर आपको वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन पे अगर आपको वो उसका लिंक मिल जाएगा, जाके क्लिक करके देख सकते हैं मंडे ट्रेड के लिए, या फिर आपको यहाँ पर भी वो वीडियो का बॉक्स बना हुआ आ जाएगा और प्लस यहाँ पर आई बटन आपको शो कर रहा होगा, आई बटन पे भी आप क्लिक करके मेरी वीडियोस देख सकते हैं। उसके साथ साथ मैंने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग सेशन के लिए, जो कि शॉर्ट टर्म है, उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए 2 स्टॉक्स भी फाइंड कर रखे, जो कि ओरो फार्मा है और मारुति है। वो अपने बॉटम पे मिल, अपने सपोर्ट में मिल रहा है, मारुति ज़रूर बाय कर सकते हैं। उसकी डेडिकेटेड एनालिसिस वीडियो भी मैं लेकर आया हूँ और उसको भी बिल्कुल इसी तरीके से मैंने प्रेजेंट करा है। कई वीडियो के साथ अगर आप मेरे चैनल के साथ बना रहना चाहते हैं, यहाँ पर आपको रेड कलर का बॉक्स शो कर रहा होगा जो कि सब्सक्राइब का बटन होगा, सब्सक्राइब करके आप नीचे लाल कलर का एक बटन होगा आप उसे क्लिक कर सकते हैं, प्लस आप एक बेल आइकन होगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे होगा ये कि जो भी मेरी वीडियोस होंगी वो सबसे पहले आप लोगों को मिल जाएंगी। मेरी 2 वीडियोस और आएंगी स्विंग ट्रेड के ऊपर, जो कि हम पूरा हफ्ते या एक पूरी फरवरी सीरीज तक चला सकते हैं। सो वो वीडियोस को भी देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कौन से और पर्टिकुलर स्टॉक की वीडियोस हम लोगों से चाहिए और आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो गाइस इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे कल अगली वीडियो के साथ। मैं शिवांश बसी, साइनिंग।